आज की हमारी ये स्टोरी है राइटर, एक प्रिस्ट और एक लॉन्ड्री गर्ल की। राइटर जो असाइलम में था, वो हमेशा एडल्ट स्टोरीज लिखता था। उसकी स्टोरीज की वजह से बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है, ये हम इस मूवी में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्विल्स, ये 2000 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है मैडेलिन, ये हमसे इंट्रोड्यूस होती है। ये एक असाइलम में लॉन्ड्री गर्ल का काम करती है। यही बार एक राइटर को बंद कर दिया गया है, इसका नाम है मार्की। मार्की को कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, पर वो मैडेलिन के जरिए अपनी राइटिंग वर्ल्ड में भेजता रहता है। सबसे छुपते छुपाते मार्की की राइटिंग मैडेलिन जाकर बाहर देकर आती है। वहां पर एक हॉर्स राइडर पब्लिशिंग कंपनी से उसका हमेशा वेट करता है। ये उसे फ्लर्ट कर रहा था, उसने उसका नाम भी पूछा। जब मार्की की बुक पब्लिश हुई तो सब लोग उसे बहुत बाय कर रहे थे। इस मूवी का टाइम 80s का है, तो इस वजह से इस तरीके की अडल्ट बुक्स पढ़ना ही अलाउड नहीं था। जब मार्की की बुक के बारे में किंग को पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने सारी कॉपीज जलाने के लिए कहा। वो गुस्से में मार्की को मार देने का ऑर्डर देता है, पर उसके सलाहकार ने कहा कि अगर हम उसे इस तरीके से मार डालेंगे तो हिस्ट्री में वो लीजेंड की तरह जाना जाएगा, हम उसे मार नहीं सकते। तो इसी वजह से मार्की की जान बच गई। इस पर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना था, तो किंग ने डिसाइड किया कि उस असाइलम में एक डॉक्टर को भेजेगा। ये डॉक्टर मार्की को ट्रीट करेगा। डॉक्टर का नाम था रॉयर, पर हम इन्हें डॉक्टर ही बुलाएंगे। डॉक्टर बहुत ही क्रूअल है, हमेशा अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उन्हें टॉर्चर करता रहता है। अब यही चीज मार्की के साथ भी होगी। नेक्स्ट सीन में मैडेलिन को प्रीस्ट लिखना पढ़ना सिखा रहा था। एक्चुअल में मैडेलिन प्रीस्ट को बहुत ही लाइक करती है, पर प्रीस्ट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मार्की जो भी स्टोरीज लिखता था ये मैडेलिन अपने फ्रेंड्स को सुनाती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैडेलिन मार्की के कपड़े लेने के लिए गई, पर मार्की उसे अंदर आने के लिए कहता है। मार्की के बुक से जो भी सेल हुआ था इसके थोड़े पैसे उसने मैडेलिन को दे दिए। मैडेलिन कहती है तुम्हारे पब्लिशर को तुमसे और भी बुक्स चाहिए। मार्की ने कहा कि मैंने और एक स्टोरी लिखी हुई है, पर अगर तुम्हें चाहिए तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी। मैडेलिन समझती नहीं, तो कहता है कि हर एक पेज के लिए तुम्हें मुझे किस देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक एक पेज मैडेलिन उसे ले रही थी, तभी वहां प्रीस्ट आ गया। प्रीस्ट उसे जाने के लिए कहता है। प्रीस्ट उसे समझाता है कि मार्की से मिलने के अलावा तुम मेरे पास कन्फेशन के लिए आ सकती हो, ये उसके लिए सही नहीं। प्रीस्ट ने फिर मार्की को भी समझाया कि वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें जिसके बारे में तुम लिख सकते हो। मार्की को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहता है कि जो चीज हम सबको जिंदा रखती है, जनरेशन से चलती आ रही है, उन्हीं चीजों के बारे में मैं लिखता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्की को ट्रीट करने के लिए असाइलम में डॉक्टर पहुंच चुका था। डॉक्टर आकर प्रीस्ट से मिलता है, कहता है मैं यहाँ सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। डॉक्टर को मार्की की हिस्ट्री के बारे में पता था, वो जब यंग था तो उसने मर्डर किया था। वो पागलों जैसी बातें करता है, तो इसी वजह से उसे असाइलम में डाल दिया गया है। प्रीस्ट को क्वेश्चन आता है कि इस डॉक्टर को यहाँ भेजा क्यों गया। डॉक्टर ने प्रीस्ट से कहा तुम्हारे मार्की की स्टोरी किंगडम में बहुत ही फेमस हो गई थी, किंग ने खुद उसे इलाज करने के लिए भेजा हुआ है। डॉक्टर ने प्रीस्ट को दिखाया कि किस तरीके से वो मार्की को टॉर्चर करेगा। वो इतना टॉर्चर होगा कि सिर्फ राइटिंग के थॉट से भी वो डरने लग जाएगा। प्रीस्ट को यह सब बहुत ही गलत लगता है। उसने कहा कि मैं खुद मार्की से बात करूंगा, वो मान जाएगा, अब इसके बाद कुछ भी नहीं लिखेगा। प्रीस्ट समझता था कि मार्की के मन में जो भी है अगर इसके बारे में वो लिखेगा तो शायद क्योर हो सकता है, पर इस पर अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो जाकर मार्की से बात करता है, उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है। मार्की इस बार भी माना नहीं। प्रीस ने डॉक्टर से कह दिया कि मार्की मान चुका है, अब वो कुछ भी नहीं लिखेगा। प्रीस नहीं चाहता था कि मार्की टॉर्चर हो, इसलिए उसने डॉक्टर से झूठ कह दिया कि मार्की अब कुछ भी नहीं लिखेगा। मार्की ने भी इस पर बहुत सोचा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एक ऑर्फन लड़की को लेने के लिए आया। अब वो उसके साथ शादी करने वाला था। इस लड़की का नाम था सीमोन। चर्च की नन ने सिमोन का बचपन से ख्याल रखा था। उसे कहती है कि अब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, वरना तुम्हें भी नन बनना पड़ता। तुम बहुत ही लगी हो जो डॉक्टर के साथ जा रही हो। सिमोन सिर्फ एक टीनेजर है और डॉक्टर का एज बहुत ही ज्यादा है, पर फिर भी उसे करना पड़ता है। उसे लगा कि वो सिर्फ एक केज से दूसरे केज में जा रही है। सिमोन को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उसे वर्ल्ड का जो भी नॉलेज आया था ये सिर्फ बुक्स पढ़कर। रात में डॉक्टर उसके पास आता है, उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो गया। इन दोनों के बारे में सारे लोग डिस्कस करते हैं कि सिमोन कितनी छोटी है और डॉक्टर कितना बड़ा।
एक दिन इनके असलम के थिएटर में एक प्ले होने वाला था और इसको मार्की ने ही लिखा। उसने सारी चीजें डायरेक्ट की और ये बहुत ही वल्गर प्ले था। डॉक्टर सिमोन को लेकर प्ले देखने के लिए आया, पर ये वल्गर था इसलिए सिमोन को उसने जाने के लिए कहा। सारे लोग ये प्ले देख रहे थे, इसमें काफी एडल्ट चीजें थी तो इस वजह से एक पेशेंट एक्साइट हो गया। वो डायरेक्टली मैडलिन को जबरदस्ती करने लगता है। प्ले की वजह से किसी को भी आवाज नहीं आ रही थी, पर मैडलिन ने एक आयन ली उसके सर पर मारी। जब सबको इसके बारे में पता चला तो डॉक्टर ने कहा यह सब मार्की के प्ले की वजह से हुआ है, अगर उसने इस तरीके का प्ले नहीं किया होता तो यह सब नहीं होता। अब मार्की के खिलाफ इन्हें एक्शन लेनी पड़ेगी। प्रीस चाहता तो नहीं था, पर जाकर उसने मार्की का पेन पेजेस ले लिए। इन फेदर के बेंच को क्विल्स कहा जाता था तो इसी वजह से इस मूवी का नाम है क्विल्स। मार्की प्रीस से कहता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, मैडलिन मेरी सब कुछ बात सुनती है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास में उसे भेज सकता हूँ। प्रीस्ट को यह बात बहुत डिस्गस्टिंग लगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मार्की से मिलने के लिए उसकी वाइफ आई हुई थी। उसे समझाने की कोशिश करती है तुम ऐसी चीजें लिखा मत करो। मार्की को यह बात समझ में नहीं आती, उस पर गुस्सा हो गया। वो कहता है कि मेरे लिए पेन और पेपर लेकर आओ। उसकी वाइफ ने कहा सिर्फ तुम ही केज में नहीं हो, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो सब लोग मुझे बहुत ही गलत नजरों से देखते हैं, तुम्हारी वजह से मेरा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी लाइफ एक लिविंग हेल हो चुकी है। मार्की बहुत ही सेल्फिश था, वो अपनी वाइफ की भी केयर नहीं करता। मार्की की वाइफ फिर डायरेक्टली डॉक्टर के पास आई, उसे कहती है मार्की का सही से इलाज कर दीजिए, उसे इतनी तकलीफ दीजिए कि वो फिर से कुछ भी कर ना पाए। डॉक्टर कहता है हमारे असाइलम के पास इतने पैसे नहीं कि हम उसका सही से इलाज कर पाए। मार्की की वाइफ कहती है कि मेरे पास भी ज्यादा कुछ पैसे नहीं। डॉक्टर कहता है कि मार्की की बुक सेल करके जो भी पैसे आते हैं उसका तुम क्या करते हो। वाइफ कहती है कि वो डर्टी मनी है, मैं उसे हाथ नहीं लगा सकती। डॉक्टर ने कहा कि वही पैसे तुम मुझे दे दो, उन्हीं पैसों से मैं उसे टॉर्चर करूंगा। मार्की की वाइफ को भी ये प्लान अच्छा लगा। उसे रिग्रेट इस बात की थी एक बार उसने भी मार्की से प्यार किया था। मार्की कुछ भी लिख नहीं पा रहा तो इस वजह से बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद जब खाना आया तो चिकन का बोन यूज कर वाइन को एज अ इंक समझ कर वो अपनी शीट्स पर पूरी बुक लिख डालता है। यही शीट उसने मैडलिन को दी और मैडलिन जाकर इसे पेपर में लिख देती है। जब वो इसे लिख रही थी तो उसकी मदर भी इसमें इंटरेस्टेड हो गई। उसकी मदर ब्लाइंड है तो उसे यही चीज़ें बहुत ही इंटरटेन करती है। उसकी मदर ये सब चीज़ें सुनकर बहुत हंसी। जब फिर से मार्की की बुक पब्लिश हुई तो सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जाता है। इसमें डॉक्टर ने फिगर आउट कर लिया कि मार्की किस तरीके से लिखता है। प्रीस भी मार्की पर अब बहुत गुस्सा हो चुका था, वो जाकर उसके रूम से सारी चीजें अब निकाल कर लाता है। मार्की कुछ लिख सके ऐसा उसके पास अब कुछ भी नहीं। इसी के पैरेलल में हम डॉक्टर की वाइफ सिमोन को मार्केट में आया हुआ देख सकते हैं। वहां पर जाकर वो मार्की की बुक बाय कर लाती है। वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। मार्की फिर से डिस्टर्ब होने लग गया, वो कुछ भी लिख नहीं पा रहा। उसे एक कांच का टुकड़ा मिला जिससे वो अपना ब्लड निकालता है और सारी स्टोरी उसने अपने कपड़ों पर लिख दी। जब मैडली ने यह सब देखा तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गई, पर डॉक्टर को जब पता चलता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। प्रीस जाकर अब मार्की के कपड़े भी लेकर आता है। प्रीस ने मार्की को सुधारने का बहुत ट्राई किया था, ये सब करते हुए उसे तकलीफ हो रही थी। मैडलिन मार्की को सपोर्ट करती है तो इस वजह से उसे पनिशमेंट दी जा रही थी। सब लोगों के सामने उसे कोड़े मारे जा रहे थे। प्रीस ने देखा और जाकर मैडलिन को बचा लिया, कहा कि अगर किसी को पनिश करना है तो मुझे कीजिए। डॉक्टर प्रीस को छोड़ देता है। प्रीस ने फिर मैडलिन से बात की, उसने पूछा तुम्हें इन सब स्टोरीज में क्यों इंटरेस्ट है, मैंने तुम्हें रीड करना सिखाया, तुम्हें अच्छे नॉवेल्स रीड करने चाहिए थे। मैडलिन कहती है मैं दिन भर बहुत काम करती हूँ और फिर मुझे ज्यादा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता, मार्की की स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग होती है और यही पढ़ना उसे अच्छा लगता है। डॉक्टर के साथ काम करने वाला एक असिस्टेंट था, ये यंग है और सिमोन को पसंद आता है। उसे पूछती है क्या तुम बुक्स पढ़ते हो, उसने फिर मार्की की बुक उसे दिखाई। असिस्टेंट ये देखकर बहुत ही सरप्राइज था। उसे कहता है सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे एज में ये प्रैक्टिकल करना चाहिए। सिमोन ने कहा मुझे टीचर की जरूरत है। इसके बाद इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रीस ने अब डिसाइड किया है कि मैडलिन को कहीं दूर भेज देगा। मैडलिन यहाँ से दूर जाना नहीं चाहती थी। वो रात में प्रीस्ट के पास आई, कहती है मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसे दूर नहीं जाना चाहती। प्रीस्ट कहता है तुम मार्की से प्यार करती हो। मैडलिन ने कहा तुम मेरी मदर से भी अंधे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहकर उसने उसे किस कर लिया।
पर प्रीस्ट उसे दूर करता है। प्रीस्ट कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर उस तरीके से नहीं, एज ए ह्यूमन बींग। ये सब चीजें करना उसे अलाउड नहीं था। मैडलिन इस बात से बहुत हर्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिमोन और डॉक्टर का असिस्टेंट, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। डॉक्टर को चिढ़ाने वाला एक लेटर लिख कर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जब डॉक्टर को लेटर मिला तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। सिमोन के रूम में जाकर वो सारी चीज़ें चेक करता है और इसमें उसे मार्की का नॉवेल मिला। अब सारा गुस्सा वो मार्की को टॉर्चर कर निकाल रहा था। ओवर द टाइम टॉर्चर की वजह से मार्की टूट चुका था। मैडलिन उससे मिलने के लिए आई, उसे स्टोरीज के बारे में पूछा, पर मार्की कहता है कि मैं हार चुका हूँ, अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैडलिन कहती है तुम कभी भी हारने वालों में से नहीं हो, तुम ये कर सकते हो, अभी के अभी मुझे स्टोरी सुनाओ और मैं लिख डालूंगी। मार्की को भी एक आइडिया आया, रात में वो स्टोरी अपने नेबर के रूम में सुनाता है। ये पेशेंट दूसरे पेशेंट को सुनाता है। इसी तरीके से ट्रैवल करते करते ये फाइनली स्टोरी मैडलिन के पास पहुंचती है और मैडलिन ये सब लिख रही थी। ये स्टोरी बताते हुए मार्की कुछ कहता, पर जब तक ये मैडलिन के पास पहुंचती तब तक सेंटेंस बदल जाता था, पर फिर भी ये स्टोरी कंप्लीट हो रही थी। स्टोरी के एक सिनारियो में आग लगने का जिक्र हुआ। ये सारे लोग पागल ही है, तो आग के बारे में जब बताया गया तो एक पेशेंट अपनी कैंडल लेकर उसी की बेड को आग लगा देता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग गया, तभी सब गार्ड वहां पर पहुंचे। सब लोग को फ्री कर दिया गया था। स्टोरी सुनकर सब लोग बहुत एक्साइट हो गए थे। प्रीवियसली जिस पेशेंट ने मैडलिन का रेप करने की कोशिश की थी वो फिर से उसके पास आ गया, उसे जबरदस्ती करने लगता है। प्रीस्ट सारी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए वहां पहुंचा। मैडलिन की चीखें उसे सुनाई दे रही थी। जब तक वो वहां पहुंचा तब तक उस पेशेंट ने मैडलिन को मार डाला था। वो इस हालत में उसे देखकर बहुत रोता है। जब सारी चीजें कंट्रोल में आई तो डॉक्टर ने प्रीस्ट से बात की, कहा कि यह सब मार्की की स्टोरीज की वजह से हुआ है, तुमने उसे सही से कंट्रोल नहीं किया, तुम भी इसके लिए जिम्मेदार हो। प्रीस्ट फिर गुस्से में मार्की के पास पहुंचा, कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम वो स्टोरी नहीं सुनाते तो मैडलिन अब भी जिंदा होती। मार्की कहता है मैंने सिर्फ स्टोरी सुनाई थी, इससे वो इन्फ्लुएंस हुआ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। वो दिखा रहा था कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। प्रीस्ट को मालूम है कि मैडलिन से वो प्यार करता था। वो कहता है कि मैडलिन तुम्हारे पास इतनी बार आई पर कभी भी तुमने उसे जबरदस्ती नहीं की, तुम भी उसे बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर मार्की बहुत रोया। जो भी हुआ है इससे उसे भी बहुत फर्क पड़ा था। प्रीस्ट इस बात को जाने नहीं दे सकता, तो गुस्से में मार्की की टंग काट देता है। ये बात आकर उसने डॉक्टर से कही तो डॉक्टर ये सुनकर इम्प्रेस था। उसे पूछता है क्या तुम आज रात सही से सो पाओगे। प्रीस्ट ने कहा कि मैं कभी भी नहीं सो पाऊंगा, पर ये करना जरूरी था। रात में प्रीस्ट ने अपने आप को ही पनिश किया। उसे सपना आता है कि मैडलिन अभी भी जिंदा है, उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा है। इस सपने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। रात में फिर से प्रीस्ट को बुलाया गया। मार्की ने अपने वेस्ट से पूरे वॉल्स पर स्टोरी लिख दी थी। वो बहुत ही पेन में था और अब मर रहा था। प्रीस्ट के लैब में ही उसकी डेथ हो जाती है। प्रीस्ट को बहुत बुरा लगा। प्रीस्ट बहुत रोया। प्रीस्ट उसे कहता है तुम्हारी डेथ ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगी। अब इसके बाद स्टोरी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है। अब हम देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में और एक नया प्रीस्ट आया हुआ है। मार्की की जो भी स्टोरीज थी ये सारी डॉक्टर अब पब्लिश कर रहा था। मार्की की स्टोरीज की वजह से इस हॉस्पिटल को बहुत नुकसान हुआ है। इसके रिपेयरिंग के लिए जो भी पैसे लगेंगे ये मार्की के बुक सेल करके वो ले लेगा। ये सीन हमें वर्ल्ड का बहुत ही ट्विस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है। इसके बाद डॉक्टर न्यू प्रीस्ट को सब जगह दिखा रहा था। इसमें हम देखते हैं कि हमारा ओल्ड प्रीस्ट अब पागल बन चुका था। जो भी उसके साथ हुआ तो इस वजह से अपना कंट्रोल उसने खो दिया। जिस तरीके से मार्की स्टोरी लिखता था उसी तरीके से वो भी स्टोरी लिखने लग गया। वो कुछ लिख ना पाए तो डॉक्टर ने उसके भी पेन और पेपर ले लिए थे। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है पर डॉक्टर उसे इग्नोर करके चला गया। अब मैडलिन के गुजर जाने के बाद लॉन्ड्री का काम उसकी मदर करती है। प्रीस्ट की लॉन्ड्री लेने के लिए जब वो आए तो उसे पेन और पेपर दे देती है। उसने उससे कहा कि मैडलिन भी यही चाहती इस स्टोरी कंटिन्यू रहे। प्रीस्ट फिर मार्की की तरह स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर देता है और यही पर मूवी एंड हो जाती है। ये आज की हमारी स्टोरी क्या सही क्या गलत इन सब चीजों को बहुत ही ट्विस्टेड वे में प्रेजेंट करती है। हम इसके अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।